हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये व्लॉग होने वाला है पुरी टू नीलमाधव मंदिर तक। पुरी टू नीलमाधव जाने के रास्ते में फर्स्ट आता है शाखी गोपाल मंदिर। ये जो पुराने पत्थर है ये आपको याद दिलाते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, मगर बाहर से जितना लगा मैंने आपको दिखाया है। हमने एक कार बुक किया था, 2700 रुपीस लगे थे। आज ये डे 3 है। पुरी से नीलमाधव जाने में 4 घंटा लगता है, तो आप सोच सकते हैं कि पुरी से नीलमाधव कितना दूर है। वैसे भी इस रास्ते पे व्यू बहुत बहुत अच्छा है, इतनी हरियाली है ना कि अगर आप पुरी आते हो और इस रास्ते पे नहीं आते हो तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इतने अच्छे व्यूज थे कि मैं क्या बताऊँ, सब कुछ तो मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकती और मैं लंबा खींचूंगी तो आपको लगेगा कि ये यार ये कितना बोरिंग सा व्लॉग है। बट क्या करूँ, एडिट करते वक्त बहुत सारा काटना पड़ता है, मगर व्यूज़ इतने अच्छे थे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप पुरी जाते हो तो डेफिनेटली नीलमाधव जाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटा सा एक पहाड़ देखने को मिला था। मैं तो हैरान रह गई थी कि यहाँ पे पहाड़ कहाँ से आया। उसके बाद मुझे पता चला, अरे ये तो ईस्टर्न घाट है। तो फाइनली हम आके पहुंच गए हैं नीलमाधव मंदिर। बहुत ऊंचा मंदिर है और सामने ही आपको वेलकम करने के लिए 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स खड़े हैं।
ये जो दूर से आपको दिख रहा है ये है महानदी, बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसकी लुक और भी बाद में आपको दिखाऊं। चारों ओर जहां भी आप देखेंगे मंदिर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। बहुत बड़ा मंदिर है ये गाइस, आप जितना भी घूमो खत्म नहीं होगा। ये जो वहां पे आप एक गेट देख रहे हो, ऐसा हर तरफ गेट है उस मंदिर का, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप जिस गेट से निकलोगे उसी गेट से अगर आप नहीं घुसोगे तो आप खो जाओगे। गेट के बाहर ये बड़ी सी एक नदी है, तो मैं वो दिखाने के लिए आपको जा रही हूँ। मैं यहाँ पे जूते पहन के नहीं आई हूँ, इसलिए नीचे जो है बहुत सारे कीड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें जो है नहीं आ रही है। ये रही वो बड़ी सी नदी, मैं और पास नहीं जाना चाहती क्योंकि मम्मी पापा जो है मुझे बुला रहे हैं।